चंद्रमुखी की कहानियाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके खानदानी बहू के पिछले पार्ट्स जरूर देख लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तक जमींदार के महल को दूर से देखा था, आज पहली बार अंदर से देखने को मिला। अरे रामनाथ जी, आप ऐसे अचानक, पहले बोलते आप आ रहे हैं। अचानक नहीं आता तो मेरी बेटी पे क्या जुल्म हो रहा है ये अपने आँखों से कैसे देख पाता। मैं आप लोगों का कहा हुआ हर बात माना ताकि मेरी बेटी इस महल में खुश रहे, पर मुझे क्या पता था बाहर न्याय करने वाले जमींदार के घर में भी ऐसे अन्याय होता होगा। बाबूजी, चलो बेटी चलो, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी जुल्म बर्दाश्त करेंगे। अभी चलो तुम मेरे साथ। बाबूजी, इनके आने तक। नहीं बेटी, यहाँ पर और नहीं रुकना, बहुत हो गया। तुम्हारा पति तुम्हें सच में चाहता होगा तो वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। रेशम अपने बाबूजी का कहा मानकर उसी वक्त उनके साथ अपने घर चली जाती है। जलेबी, तेरे कहने पर मैंने बहू को इतना मारा कि उसके बाबूजी उसे घर ले गए। अब मैं अपने बेटे से क्या बोलूंगी, ये तो गलत हो गया। अब समीर बहुत गुस्सा करेगा। कुछ गलत नहीं हुआ है दीदी, सब एकदम सही हुआ है। वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी, एक दिन वो आपको ही इस महल से निकाल देती। अच्छा हुआ बला टली, एक पैसे की औकात नहीं और नखरे हजारों। आप चिंता करना बंद करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस मेरे हाँ में हाँ बोलते रहना। फिर शाम को जब समीर फैक्ट्री से घर वापस आया, मैं क्या करूंगी अब, अपने बेटे को क्या बोलूंगी, हे भगवान। और क्या बोलोगी दीदी, सब सच सच बोल देना, अब सच छुपाने से क्या फायदा। क्या हुआ माँ, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? बेटा, बहू आज मुझे और तेरे माँ को अच्छा खासा सुना के अपने मायके चली गई। क्या, ये क्या बोल रहे हो मामी? हाँ बेटा, सबको बहुत गाली की, फिर तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई बहुरानी। नहीं नहीं, रेशम ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे लाने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम, वापस मत ला उसे। हाँ हाँ दीदी सही बोल रहे हैं, वो हमसे काम करवा करवा के हमें मार ही डालेगी। एक तू है कि उसे वापस लाने को सोच रहा है और वो तेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती बोल कर गई है। रेशम ऐसे नहीं बोल सकती। तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं बेटा? हाँ बेटा, तेरी माँ तो बहू के पैर भी पड़ी, फिर भी वो किसी की नहीं सुनी। इस घर का मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी है। समीर को मामा मामी मिलकर रेशम के खिलाफ इतना बोले कि समीर बहुत गुस्सा हो गया और वो रेशम से कांटेक्ट करने की सोचा भी नहीं। देख रेशम, जो होना था वो हो गया, जुल्म सेना भी पाप होता है। अंकल सही किए जो तुझे वहाँ से ले आए। मुझे किसी की भी चिंता नहीं, पर समीर जी, तू और तेरे समीर जी, अरे बाबा अगर वो तुझे सच में प्यार करते हैं तो जरूर मिलने आएंगे, क्यों इतना चिंता कर रही है? रेशम को उसकी सहेलियाँ जितनी भी कोशिश किए समझाने की, पर वो है कि अपने फोन से नजर ही नहीं हटा रही थी। और उधर समीर का हाल कुछ वैसा ही था। गलती उससे हुई है, घर छोड़ के वो गई है, मैं क्यों कॉल करूं? उसे ही पहले बात करना चाहिए। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले
एटलीस्ट एक बार तो मेरे साथ बात कर सकती थी। मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूँगा अब। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि पहले बात कौन इनिशिएट करेगा इसका इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे समीर और रेशम एक दूसरे का इंतजार करते करते एक महीना बीत गया। फिर एक दिन, डिंपल मुझे लगता है अब समीर जी से बात कर लेना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा है, क्या पता वो भी तेरे कॉल के इंतजार में होंगे। पता नहीं क्यों आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और उनकी बहुत याद आ रही है। डिंपल और रेशम के बीच बातें चल रही है और उधर राजेंद्र महल में, बेटा रेशम को गए हुए एक महीना बीत गया है। उससे वापस आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती, पर तुम कब तक ऐसे घर पे पड़े रहोगे? बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, फैक्ट्री का काम भी देखो। ऐसे अकेले पड़े पड़े अपनी तबीयत मत बिगाड़ो बेटा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं, आज से मैं फैक्ट्री जाऊंगा। समीर फैक्ट्री जाने को तैयार हो गया। क्या बात है, फिर से कहाँ घोटाला किए हो? लगता है कुशलपुर वाले फैक्ट्री घोटाले के बारे में समीर को पता चल जाएगा। वहाँ का मैनेजर साफ साफ मना कर दिया, अब मेरे साथ हाथ मिला के कोई घोटाला नहीं करेगा। ऊपर से समीर को सब सच बोल देगा। दुर्भाग्य देखो, आज ही समीर फैक्ट्री निकल रहा है। अरे इतनी सी बात है, आपको तो पता ही होगा कि कुशलपुर फैक्ट्री पहुंचने के लिए कुशलपुर एक्सप्रेस हाईवे देकर जाना होगा और उस रोड पे आए दिन कितने सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्यों? जलेबी रानी। समीर कुशलपुर निकल गया और जब हाईवे का रोड शुरू हुआ तो उसके गाड़ी के सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। फिर वो ट्रक समीर के कार को धक्का मार के वहाँ से गायब हो गया। एक्सीडेंट से समीर बेहोश हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग समीर को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बेड पे समीर को होश आया। समीर जी, घबराने की कोई बात नहीं, सर पे चोट लगने के कारण आप बेहोश हो गए थे। थैंक गॉड आपको कुछ भी इंटरनल इंजुरी नहीं है। थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ रूटीन चेकअप करके कल सुबह आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और समीर को उस ट्रक वाले पे डाउट भी होने लगा था। मुझे पक्का यकीन है वो ट्रक वाला जानबूझकर मेरे कार से टकराया, पर क्यों? ये सब सोचते सोचते समीर को बेचैनी सी होने लगी। फिर वो अपने बेड से उठ के बाहर की तरफ जा रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी रेशम और उसके बाबूजी के ऊपर। तब रेशम और उसके बाबूजी एक नर्स से कुछ बात किए और वहाँ से चले गए। समीर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। सिस्टर, वो रेशम जो आपसे अभी अभी बात कर रही थी, उनकी तबीयत कुछ खराब है क्या? अरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, चेकअप के लिए आए थे। सिस्टर से रेशम की प्रेगनेंसी की बात सुनकर समीर का एक्सीडेंट का दर्द अचानक से गायब हो गया। वो खुशी से झूम उठा। क्या अब समीर और रेशम में जो दरार बनाया गया था वो जुड़ जाएगा? क्या समीर का एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका पता चल पाएगा? या शारंग और जलेबी इस बार भी बाजी पलट देंगे? ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे रे रे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।